नमस्कार दोस्तों, ये है 16 मई 2020 की अपडेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर एनसीवेब और एसएल से एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, जो बहुत ही पशुपेश में है कि आगे एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने, तो उससे रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ 16 मई 2020 की अपडेट। और आप ये मान लीजिए कि 99% ये DU की तरफ से फाइनल अपडेट है, मतलब जो भी अब वो करने जा रही है वो उसी के ऊपर जोश और से लगी हुई है। आइए देखते हैं वीडियो अंत तक और मैं आपको दूंगा आपके लगभग सारे सवालों का जवाब। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एडुट्रैक्स। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं ऑनलाइन वीडियोस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लाइव ऑनलाइन वीडियोस, जिससे आप कई सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं और जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो जितना मैक्सिमम हो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन लाइव वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। और ये जो एक समय चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें बहुत आसानी से घर बैठे वो अपनी पूरी पढ़ाई कर सके और आने वाले 2 महीने में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम वो दे सकें। आइए अब मैं आपकी मेन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये 16 मई 2020 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उसकी तरफ से ये नोटिस आया है, ये नोटिफिकेशन आया है। What is the main headline of this notification? Conduct of examination for certificate, diploma, advanced diploma courses by the respective department colleges for the academic session 1920 in view of COVID-19. तो आइए देख लेते हैं क्या मेन हाईलाइटिंग है इस नोटिस के अंदर, ये क्या कहने जा रहे हैं। It is hereby notified for information of all concerned that university has already issued the notification reference number this and this. Dated 14 May 2020 for conduct of examination for final semester year student of examination session 1920 from 1st July 2020। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 14 मई 2020 को ये पहले ही एक नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं जिसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम तो 19-20 के जो हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने ही जा रहे हैं अंडर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अंडर ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारे इंडिया के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आई थिंक कभी मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है। एज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज वन टाइम मेजर to facilitate the students for further higher studies or to join any career endeavor further in the stipulated time as decided by the task force and adopted by the working group of examinations. The same shall be applicable in case of the conduct of examination by the respective department colleges as per the existing process, procedure and practice. The respective department colleges are responsible for the product of examination, evaluation and preparation of results wherever certificate, diploma, advanced diploma courses are available and the later the tabulated results are sent to examination branch along with the letter for declaration of the same. तो इसके अंदर कुल मिला के बात वो इतना कह रहे हैं कि जो इन्होंने लेटर इशू किया है, ये फाइनल सेमेस्टर और ईयर के जो एग्जाम कराएंगे 14 मई को, इन्होंने जो लेटर इशू किया था उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2020 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन इनके पास ये भी है कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन कराएंगे, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं और ये जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा इसके अंदर क्या होगा और ये डिटेल इन्होंने आगे भी बता रखी है, तो वो डिटेल मैं वहाँ पर आपको वहीं पर बताऊंगा थोड़ी सी। लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा आपके पास और उसके बाद आप अपने घर पर आराम से बैठकर आप चाहे तो बुक ओपन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स वगैरह से देखकर या कहीं से भी आप देखकर, चाहे तो गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं या कैसे भी, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर भेजने हैं।
अब आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, रेगुलर एग्जाम्स मतलब नॉर्मल एग्जाम्स और ओपन बुक एग्जाम के अंदर क्या डिफरेंस है। जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, आपने पहले से पढ़ा लिखा होता है और अकॉर्डिंगली अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उनके आंसर आप लिख देते हैं। लेकिन जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप किताब खोल के घर से आराम से कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो आपको यही समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी कि भाई ये चैप्टर कौन सा है जिससे ये क्वेश्चन आया है, तो मतलब आपको स्टडी पूरी थॉरली ही करनी पड़ेगी ताकि आप ये समझ सकें कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है और ये इसमें पूछ क्या रहा है और इसके अंदर आपको आंसर क्या देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है जितनी मेरी समझ है। तो अगर बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं शायद कि ओपन बुक एग्जाम है तो बड़ी आसानी से हम लोग कर जाएंगे, ये बिल्कुल नए तरह का एग्जाम है, बच्चों को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि DU के टीचर्स को भी इसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसीलिए स्टूडेंट्स और DU के टीचर्स भी इसके अपोजिशन में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ के साथ जो यूनिवर्सिटी है, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो अपना इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की लगभग पूरी तरह से कोशिश कर रही है और तैयारियां भी करने में लगी हुई है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि हो सकता है आपके ये OBE एग्जामिनेशन हो जाए 1 जुलाई से। आइए देखते हैं नोटिस के अंदर और क्या है हमारे पास। तो ये तो कुछ जनरल सी बातें हैं, क्योंकि COVID-19 चल रहा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इससे इन सबसे रिलेटेड फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें हम पढ़ लेते हैं। ऑल स्केड्यूल डेट शीट शुड बी नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट लेटेस्ट बाय 27 मई 2020। 27 मई तक आपको आपकी डेट शीट मिल जाएगी, और द डेट विच डिपार्टमेंट डिसाइड्स अप्रोप्रिएट, और या फिर उस डेट तक जो अगर डिपार्टमेंट सोचता है कि उस डेट तक, मतलब इन्होंने एक डेट डिसाइड कर ली 27 तारीख की, 27 तारीख तक आ जाएगी, नहीं तो ये लोग जो डिसाइड करेंगे उस डेट तक आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो 27 तारीख तक ही आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी पूरी कोशिश करने में लगी हुई है कि ये जो भी इन्होंने बनाया है मसौदा, इसको वो पूरा का पूरा तैयार करके और एग्जाम करा दें। द सेम शुड बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज एंड अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ शुड ऑल्सो बी सेंड टू एग्जामिनेशन ब्रांच टू ईमेल exam7conduct@gmail.com, और इसकी जो एक कॉपी है वो इस ईमेल पर भी भेजेंगे, और इसकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। द कॉन्फिडेंशियल लिस्ट अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट शुड शैल बी सेंट बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच टू द डिपार्टमेंट कॉलेज कंसर्न एज पर द पास प्रैक्टिस। तो अब जैसे पहले होता था उसी तरीके से क्या होगा, जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो कॉलेज की साइट या डिपार्टमेंट की साइट पर चली जाएगी, वहां से बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। एग्जामिनेशन शुड बिगिन फॉर ऑल सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज बाय दिस वीक जून 2020। इस वीक जून 2020 तक आपके जो है वो सारे एग्जाम शुरू, जो उसकी तैयारी है वो जून 2020 में ही आपको दिख जाएगी कि भैया अब तो हमारे एग्जाम होने को जा रहे हैं। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट एलिजिबल टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर सैट कोर्सेज शैल बी इन्फॉर्म्ड वेल बिफोर द कमिशनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद गाइडलाइंस एंड द प्रोसीजर एप्लीकेबल। स्टूडेंट्स को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि उनको क्या करना है कैसे करना है, उससे एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, ऐसा यहां पर लिखा है। देयर शुड बी अ प्रोविजन इन प्लेस ऑफ ईच रिलेटेड डिपार्टमेंट टू एड्रेस ग्रीवेंस रेज, अगर किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंस कोई शिकायत किसी तरह की अगर करना चाहता है तो डिपार्टमेंट कॉलेज उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो टीचर की तरफ से हो, स्टूडेंट की तरफ से हो, ऑफिस की तरफ से हो, और इसके लिए जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन भी ये मांगेंगे, एग्जामिनेशन कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट का, ईमेल आईडी वगैरह, ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन भी ये पहुँचा सके। दिस इज कैंडिडेट्स एनरोल फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा कोर्स शैल ऑल्सो बी गिवन इन फुल बेनिफिट अटेंडेंस कंसिडर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन पीरियड। आपको सारी अटेंडेंस वगैरह हर चीज जो है वो प्रॉपर ये तैयारी करके चल रहे हैं, बट अब देखिए मेन चीज क्या है, क्वेश्चन पेपर शुड बी सेंट थ्रू ईमेल और एनी ऑनलाइन मोड टू ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को ये ईमेल के थ्रू या कोई भी जो ऑनलाइन मोड है उसके थ्रू ये आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। अपियरिंग फॉर सैट एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जाम होगा,
दे शुड बी गिवन द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स. आपको 2 घंटे मिलेंगे किस लिए? टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन. आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 2 घंटे. ध्यान से सुन लीजिए, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 2 घंटे. एंड 1 एडिशनल आवर, और एक एडिशनल घंटा भी आपको मिलेगा फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर एंड सेंडिंग बैक द स्कैंड रिटर्न आंसर शीट ऑन द ईमेल आईडी ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज कंसर्न. मतलब आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, और आपको 1 घंटा मिलेगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, और जो भी आपने शीट लिखी है उस शीट को स्कैन करके इन्हें वापस ईमेल करने के लिए. ऑल कैंडिडेट्स विल राइट आंसर एज पर क्वेश्चंस सेंट फॉर द रिस्पेक्टिव पेपर ऑन द प्लेन शीट, एंड ऑल डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द पेपर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट ऑफ द सर्टिफिकेट एंड दिस ऑल दिस फलाना ढिमकाना एप्लीकेट डिटेल टू रिटर्न डिसाइडेड बाय द जैसे. अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है अपनी किसी भी प्लेन शीट के ऊपर, जो भी प्लेन शीट आपके पास अवेलेबल हो, और उसके बाद आपको अपने ये नाम, पेपर का नाम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट वगैरह ये सब आपको लिखना है. और फिर ये इसके बाद बिसाइड्स द अबव रिलेटेड इश्यूज, और ये जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है ये वाली इंफॉर्मेशन. देयर मे बी प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, वाइवा वोस, ओरल कॉम्पोनेंट एज पार्ट ऑफ द सेट कोर्स ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट द सेम. जो भी आपका प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, वाइवा वोस है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, द सेम शुड बी डील्ड एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच वाइड रेफरेंस नंबर डीन एग्जाम डेट 13/5/2020 को इन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल वगैरह जो भी हैं वो होंगे. रिगार्डिंग कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वाइवा वोस प्रोजेक्ट और ये सब, तो ये सब है आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बता दिया इन्होंने, और जो थ्योरी पेपर है उन सब के लिए भी बता दिया. अब आइए देखते हैं कि अब हमारी जो ये एक और हमारे पास लेटर है, और ये लेटर क्या कहता है जी, ये 13 मई का लेटर है, और ये NCVAP वाले बच्चों के लिए है ये. तो अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट डाली है वो 13 मई की है, और इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2020. और अगर आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये फॉर्म फिल करने में, या कोई भी डाउट है, तो आप उसके लिए ये ईमेल कर सकते हैं. और अगर आपकी ईमेल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपके 2 नंबर दिए हैं, एक है श्री कपिल जी का, ये आपका नंबर है, और ये आनंद जी, इनका ये नंबर है. तो इनको आप सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे के बीच कॉल करके आप इनसे अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं, और ये भी वर्किंग डेज के दौरान होना चाहिए, मतलब कि ये सैटरडे संडे को नहीं होना चाहिए. और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर भी आप कर सकते हैं, और जो भी कोई आपकी अपडेट्स है उस सब के लिए आप ये जो DU की मेन वेबसाइट है इससे आप जुड़े रहे. अब चलते हैं हमारे SOL पर. अब SOL की वेबसाइट अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल अभी कोई भी लेटेस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं कि इन सब के ऊपर वही हमारा नोटिस जो DU की तरफ से ये मेन आया है यही इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है. तो दोस्तों ये था नोटिस लेटेस्ट. बिल्कुल जितना हो सके आप अपने यारों दोस्तों को, आप अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम अवेयर कीजिए नोटिस के बारे में कि आपके एग्जाम आने ही वाले हैं. आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको बिना एग्जाम के आगे पास कर दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है आपके एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो आप बस आपके पास 2 महीने हैं मुश्किल से, आप अपनी जबरदस्त तैयारी कीजिए. जितना हो सके उतना ऑनलाइन स्टडी के ऊपर जाइए, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बहुत है. मैं भी अगले हफ्ते से शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस, आप वो ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा. और बस अपनी पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और जितना हो सके लोगों से दूर रहिए. मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में. धन्यवाद.